आज स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे गोमती नगर रेलवे स्टेशन वेलकम्स यू, वी ऑल्सो वेलकम्स यू इन अ दीपावली फेस्टिवल। हम लोग आज आए हुए हैं राजधानी के गोमती नगर में, जहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जिसका प्रमाण है कि हम लोग इस समय एक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। प्लेटफॉर्म जैसे कि एक रास्ता होता है, एक स्टेशन होता है जहाँ ट्रेन रुकती है, उसी तरीके से हम भी आए हुए हैं यहाँ पे एक रुकावट और दुनिया भर की चीज़ों को देखने के लिए, दीपावली एक स्पेशल कार्यक्रम आपको दिखाने के लिए। तो अभी चलते हैं, आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे थे, अब ट्रेन के अंदर से होते हुए हम लोग बाहर आ चुके हैं और मलिन बस्ती की तलाश में आ चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ओम नमः शिवाय मंदिर है और यहाँ से हम लोग चलते हुए जा रहे हैं कि जैसे कि हर एक किसी ने एक मुहिम छेड़ी थी कि मिट्टी के दिए या हम चाइनीज़ लाइटों का बहिष्कार करेंगे, उसी तरीके से किसी ने शपथ ली थी कि हम घर घर दिए जलाएंगे और हम खुशियां बांटेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि दीपावली पर्व जो होता है वो खुशियों का ही पर्व होता है। तो अभी आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं मलिन बस्ती में और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, पूरी यहाँ बस्ती में जो वितरण हो रहा है, कुछ स्कूली बच्चे हैं जो घरों पे मोमबत्ती और दिए, ये छोटी दीपावली आकर के मना रहे हैं। तो ये स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और अभी हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो जैसा कि लोगों ने प्रण लिया था कि पटाखों का बहिष्कार करेंगे और हम दियों से ही देश को रोशन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी काफ़ी अंधेरा था और दिए और मोमबत्ती की रोशनी होते ही काफ़ी उजाला सा हो गया है। एक रोशनी यहाँ मलिन बस्ती में जो फैल चुकी है, आप हमारी स्क्रीन पे ये नज़ारा देख रहे होंगे, बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक रही है और जहाँ पे जो भी लोग हैं बड़ी ही स्नेह के साथ में मोमबत्ती और दिए जला रहे हैं। हाँ तो बेटा, किस स्कूल से आई हुई हैं आप? टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो आपके साथ में यहाँ कौन आया है? हमारी प्रिंसिपल मैम। तो ये मोमबत्ती और दिए आप क्यों जला रही हैं हर जगह? जिससे गरीबों के घर में उजाला हो। अच्छा, तो ये जैसे कि कुछ ऐसा भी यहाँ पे पटाखे अटाखे भी लेके आई हैं बांटने के लिए? नहीं, केवल दिए उसे ही रोशन करेंगी देश को। क्या नाम है आपका? अनुष्का पाल। किस क्लास में पढ़ती हैं? सिक्स बी। देखिए, सिक्स क्लास की इतनी छोटी बच्ची जो है, उसका उत्साह और उसकी सोच कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे एक बूढ़ी माई भी हैं, इनसे पूछेंगे जैसे उनके घर के आगे जो यहाँ मोमबत्ती जल रही, उन्हें कैसा लग रहा है? दादी, ये जो मोमबत्ती की रोशनी बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कभी और आपके यहाँ पे कुछ लोग आए हैं ऐसा करने के लिए? नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, ऐसे ही। तो दीपावली इस बार कैसे, क्या मनाने वाली हैं आप? दीपा मना रहे हैं भैया। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी मलिन बस्ती में कभी भी कोई भी शख्स नहीं आया है, जो कि ये गोमती नगर स्टेशन के एकदम पीछे है और इनके यहाँ पे जो एक छोटे बच्चे से अभी हमने बात किया था, उसने ही यहाँ पर उजाला किया है, जिससे यहाँ पे पूरी मलिन बस्ती में जगमग सी रोशनी हो चुकी है। जी 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 जी। अच्छा, हाँ, खूब अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते हैं। अच्छा, हर साल? हाँ, स्कूल के ही बच्चे। हाँ हाँ हाँ, हर साल। किस स्कूल के बच्चे आते? अब ये हमको नहीं पता। अच्छा, तो आपको अभी बताएंगे कि किस स्कूल के बच्चे आते हैं, मैम से पूछेंगे, मैम साथ में हैं। तो मैम, किस स्कूल से हैं आप? ये हम टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज से हैं जी। और जैसे माता जी बता रही हैं कि आप हर साल यहाँ आती हैं, तो कितने सालों से ये सिलसिला चला? चार साल हो गया। पांचवां साल। हाँ, ठीक कहा आपने, पांचवां साल है। बता भी रही हैं कि पांचवां साल हो गया। स्कूल का नाम नहीं याद था, इसी वजह से हमने मैम से पूछ लिया कि टीडी गर्ल्स के जो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, जो मोमबत्तियों से, देखिए आपकी यहाँ पे पूरी मलिन बस्ती जो है, अंधेरा था और मोमबत्तियों चिरागों की रोशनी जी। बहुत खुशी हो रही है? बहुत खुशी, अत्यंत खुशी है जी। बहुत खुशी है। आशीर्वाद दीजिए जी। अच्छे रहा।
तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, आगे भी देखिए, यहाँ पे पूरा मलिन बस्ती में सब बच्चे लग करके मोमबत्ती से जला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके घरों के आगे दिए नहीं जल रहे थे। यहाँ पे भी थोड़ा आएंगे और देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे किनारों पे भी बच्चे मोमबत्ती खूबसूरती से इस बस्ती को सजाने का कार्य कर रहे हैं कि जिससे यहाँ पे अपने देश में एक उजाला हो सके, जो अंधकार की रोशनी है वो ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे अभी तक के हमने देखा था जो कार्य हो रहा था, तो अब टीडी गर्ल्स के प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह जी से बात करते हैं, वो ये कार्य कब से कर रही हैं और उन्हें ये कार्य करके क्या अनुभव होता है, बताइए। नमस्ते जी, शुभ दीपावली। ये कार्य हम लोग, हमारा विद्यालय जो है 5 साल से कर रहा है, लगातार 5 साल हम लोग छोटी दिवाली या धनतेरस दिन यहाँ पे आते हैं और बच्चों को ये मोमबत्ती उनके घरों में जलवा देते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। ये हमारे प्रबंधक जी महादेव प्रसाद यादव जी, उनके निर्देश में ये कार्य हम करते हैं। जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये शाम का समय है, इस समय छोटी दिवाली है और हमें घर पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ आके उससे ज़्यादा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। घर के 4 दिए ज़्यादा, हम यहाँ 40 घरों की अगर हमारा स्टाफ अगर ये ज्योति जलाएगा तो उसमें आंतरिक खुशी जो होगी। ऐसी मोमबत्तियों की आप गिनती लेके आई हैं कि इतनी मोमबत्ती आपको जलानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रबंधक साहब ने 4-5 हज़ार रुपए दिए थे, उसकी मोमबत्ती और वो सामान सब आ गया था बस। जी जी। तो जैसा कि आप मैम के सामने देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें घेर के रखे हुए हैं और ये जैसे कि अनगिनत मोमबत्ती यहाँ पे मलिन बस्ती में लगाई गई है। तो मैम, इसके बाद जैसे कि जो आप लोगों का प्रण था पटाखों वाला, उसका बहिष्कार जो है, यहाँ के बच्चों को भी संदेश देंगी? हाँ, संदेश यही दे रहे हैं, इन लोगों को मोमबत्ती बांट भी रहे हैं ताकि आप लोग मोमबत्ती जला के अपना घर रोशन करें, पटाखे की तरफ ध्यान ही ना जाए। ये बच्चे इस समय हमसे केवल और केवल मोमबत्ती मांग रहे हैं जी, पटाखे का नाम ही नहीं यहाँ पे। तो इनको जो हम सिखाएंगे वही तो ये करेंगे। जी। जैसे कि लक्ष्मी सिंह जी एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती हैं और उन्होंने आज भी ये दिया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पटाखों के लिए यहाँ पे, जैसे कि मोमबत्ती के लिए। तो जैसा कि हम लोग आगे पथ पे चल रहे हैं, इस पथ पे जिस पे बच्चों द्वारा रोशनी की गई है, हम आपको भी उसी पथ पे ले जा रहे हैं अंदर मलिन बस्ती में, जहाँ एक एक मोमबत्ती को बहुत ही खूबसूरती से जगमग देश को रोशन करने का सपना जो है बच्चों द्वारा देखा गया, वो आज साकार होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे अंदर चलते जा रहे हैं, बच्चे हर पग पे, हर पथ पे अपने एक मोमबत्ती या चिराग द्वारा रोशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि इनसे देखिए, ये लगा रहे हैं लेकिन इनसे मोमबत्ती लग नहीं रही है, लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि किस स्कूल से हैं आप? टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज। टीडी गर्ल्स से, क्या नाम है आपका? आर्यन नाम है। तो कितने सालों से आप स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम बचपन से यहीं पढ़ रहे हैं। बचपन से? तो यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? हम 2-3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। 2-3 साल से आ रहे हैं। जैसा कि मैम से भी हम लोगों की बात हुई थी, तो ये आप लोगों को कार्य कौन प्रेरित करता है करने? हमारे बड़े सर करते हैं, मैम करते हैं। क्या नाम है उनका? हमारे बड़े सर का नाम मिस्टर महादेव प्रसाद यादव। महादेव प्रसाद यादव। तो जैसा कि ये कार्य बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, हम लोग जब आए थे यहाँ पे बहुत ही अंधेरा था और शायद जो बच्चों ने सपना देखा था कि चिरागों द्वारा, मोमबत्ती के द्वारा हम पूरी मलिन बस्ती को एक रोशनी से रोशन करेंगे, वो सच होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आपको ऊपर भी हम दिखाएंगे कि वे जो प्रधानाचार्य हैं लक्ष्मी सिंह जी, उनके द्वारा ये कार्य यहाँ पर कर रही हैं। हर बच्चे, हर उनके जो भी यहाँ पे लोग हैं, मदद कर रहे हैं। तो माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा? हाँ, प्रेमा। तो यहाँ पे जैसे कि आपके घर के आगे मोमबत्ती लगाई जा रही है, बच्चे हैं, मैम है, सब लोग हैं, तो ये दीपावली का क्या, कैसा आपका त्योहार लग रहा है? अच्छा लग रहा, आप लोगों के द्वारा से अच्छा लगा। तो मैम हर साल आती हैं? हाँ, हर साल आती हैं जी, आती है। तो जैसा कि सभी के चेहरे पे खुशी की लहर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा अच्छा जाते हैं बच्चे भी। तो क्या बेटा नाम है तुम्हारा? सृष्टि। सृष्टि। तो सृष्टि, ये बताओ, ये जो तुम्हारे आगे मोमबत्ती जलाई जा रही है, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा। अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ती हो? UKG। 2KG? UKG। देखिए, UKG में ये बच्ची है, लेकिन इसके चेहरे पे वो सुंदर सी मुस्कान आपने देखी, जो किसी के घर के बाहर अंधेरा होता है और उसके बाद एक उजाले की रोशनी देखने के बाद उसको एक
अनुभव होने लगता है कि खुशी की लहर हमारी ओर आ रही है। जैसे सभी बच्चे मैम से एक मोमबत्ती मांग के अपने घर के आगे रोशन करने के लिए ज़िद कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ज़िद के लिए ही फेमस होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे ज़िद करते हुए आपको दिख रहे हो। मैम बहुत ही प्यार से उनको कह रही हैं कि थोड़ा सा आगे चलिए और सबके घर पे मैं खुद मोमबत्ती लगा करके उजाला करूँगी। मैम भी बहुत प्यार से बच्चों को मोमबत्तियाँ बांट रही हैं जैसे आप देख रहे हैं। मैम से भी पूछेंगे कि वो उनको कार्य करते हुए कैसा लग रहा है, बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ऐसा, और मुझे बच्चों को ये बच्चों का घर वो रोशन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि कुछ अच्छा कार्य करने पर खुशी की अनुभूति होती है, वही आपको भी लग रही है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ पे आई थी तो बहुत अंधेरा था, आने के बाद सबके घर के आगे आप लोगों की मोमबत्ती और चिरागों से रोशनी हो गई। जी 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 उजाला हो गया। तो देखिए एक अच्छा कार्य करने पर जो खुशी आती है वो दिखावटी नहीं होती है, वो एकदम स्वाभाविक होती है, जो झलक करके बाहर आ जाती है। ठेलों पर भी मोमबत्ती लगी हुई है, हर जगह कहीं भी अंधकार का नामो निशान न रहे इस वजह से हर जगह मोमबत्ती लगाई जा रही। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुकेश। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारे घर के आगे मोमबत्ती लगाई जा रही है, कैसा लग रहा है दीपावली? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन करा रहा है ये कार्य ऐसा? ये मैम लोग आती हैं 5 साल से। अच्छा 5 साल से, देखिए ये बता रहे हैं 5 साल से मैम आती हैं। तो हर साल मैम क्या क्या काम करती हैं? यही लगाती, मोमबत्ती लगाती हैं, प्रसाद दे जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई और कार्य करने यहाँ पे आता है आप लोगों की बस्ती में? और आता है, आते हैं दोपहर को आते हैं। अच्छा दोपहर को आते हैं, लेकिन आना जो कि राती को चाहिए, क्योंकि एक जो अंधेरा होने के बाद रोशनी दिखती है। हम लोग भी अंधेरे में ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक हमारी भी सोच है आपको एक सोच अच्छी दिखाने की कि आप भी देखिए, क्योंकि आवाज़ जो होती है वो आप तक के पहुँचे वो अच्छी होनी चाहिए, और उतना हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो भी अच्छा मिले। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज कपूर है सर। अरे देखिए छीनेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं, रुको एक मिनट अभी बात कर लें, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा एक मिनट वो कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम अपना बात करते हैं। वो टूट जाएंगी फिर कैसे आपको मिलेंगी? तो एक मिनट साइड हो जाइए साइड। तो बताइए सर यहाँ कब से आए? मैं पहली बार आया हूँ और विद्यालय की तरफ से पहली बार आए हैं, और ये कितना अच्छा काम है। जैसे हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी आज पहुँचे थे अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, तब से हम लोग उनकी खुशी के लिए, उस दिन अमावस्या की रात थी, बहुत ही घनघोर अंधेरी रात थी, तो उनके लिए घी के दिए जलाए गए थे, हर जगह रोशनी की गई थी। तो आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि कम से कम एक अच्छा काम करेंगे और सभी के पास में पहुँच करके उनके घरों के आसपास जो अंधेरा है उस अंधेरे को मिटा करके रोशनी में फैलाएंगे। और रोशनी एक इस तरह का एक कह सकते हैं हम लोग कि ऐसा एक वो है कि जिससे हर जगह का अंधकार ख़त्म हो जाता है, और इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में आ जाती हैं कि हम लोग हर एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर इस बस्ती में आकर के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि कम से कम कुछ एक अच्छा काम कर रहे हैं जिससे सुकून मिल रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो जैसे अच्छा कार्य करने के बाद जो है वो एक सुकून अनुभव होता है, वो हर यहाँ पे हर एक शख्स के जो मोमबत्ती लगा रहा है, जो लोगों से बात कर रहा है, उसके चेहरे पर वो खुशी ऑटोमेटिक झलक करके आ रही है। बस्ती बहुत बड़ी है, अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर जगह मोमबत्ती लगाई गई है और हर जगह बच्चों को वितरण हो रही है कि मोमबत्ती वो अपने आप से जलाएं और इस मलिन बस्ती में जो अंधकार है उसके अंदर एक ज़्यादा से ज़्यादा उजाला कर सकें। आए हुए थे राजधानी के गोमती नगर में, जो गोमती नगर स्टेशन पे ओम नमः शिवाय मंदिर के पास मलिन बस्ती स्थित है। वहाँ पे आपने देखा कि कैसे बच्चे मोमबत्ती जला करके और जो यहाँ पे जो लोग वितरण कर रहे हैं वो कैसे किस प्रकार हज़ारों की तादाद में मोमबत्तियाँ लाए हैं
और यहाँ पे मलिन बस्ती में उजाले का एक मैसेज भेज रहे हैं। लोग लाने को तो पटाखे भी बांट सकते थे, लेकिन पटाखों का टीडी गर्ल्स बहिष्कार कर रहा है, जिसके लिए यहाँ पे मोमबत्ती से ही खुशियाँ आपको दिख रही हैं। सभी काफ़ी खुश हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में और इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। तो शायद हमारी एक जो सोच है कि ये सोच हर तक के पहुँचे, जन जन तक के पहुँचे, जिसके कारण और एक बार जा करके गरीबों के घर में दिया ज़रूर जलाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा अंदर से लगता है, जो खुशी महसूस होती है। इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।